नमस्कार दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था टेंस चल रहा है, उससे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि कुछ निजी कारणों की वजह से हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो दोस्तों, कंटिन्यू की बात आई है तो आज हम प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू टेंस के ऊपर बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस वो होता है जो अभी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वर्तमान में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान जो भी बात हो रही है, और कॉन्टिन्यूस होता है लगातार, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो यानी कि जो रहा हूं, रही है, रहे हैं, यानी कि जिस भी सेंटेंस में मतलब क्वेश्चन टेंस है उसमें रहा है, रही है, रहा हूं हो, तो वो प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे इसकी पहचान क्या हो गई? पहचान, आप पहचानोगे कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? तो रहा हूं, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा हूं, रहे हैं और रही है, यानी कि जहां पर जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो टेंस कौन सा हो गया? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि वर्तमान में कोई काम अभी चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो कंटिन्यूस टेंस के अंदर उसका प्रयोग होता है। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, ये उसकी पहचान हो गई। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो रहा हूं, रहा यानी कि ये वर्ड आ गया ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा पहले तो नंबर एक पॉजिटिव सेंटेंस की, पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस ये एक ही होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं इसका रूल क्या है, इस टेंस का रूल है पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? इज, एम और आर। इज एम आर, इसकी कौन सी होगी जी? इज एम आर, इज है ना हेल्पिंग वर्ब, एम और आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इसका प्रयोग कहां होगा? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब राम, श्याम, ये सिंगुलर नाउन हो गए। ही, सी, इट के साथ में इज का प्रयोग होता है। उसके बाद एम का प्रयोग होता है आई के साथ में, जैसे बोलते हो ना आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, तो मैं एक लड़का हूं, तो ये क्या हो जाएगा? आई के साथ इसका प्रयोग होगा एम का। आर का प्रयोग किसके साथ होगा? यू के साथ, यू दे, यानी कि कोई प्लुरल नाउन हो गई, जैसे यू आर ए बॉय, यू आर ए गर्ल, तो यानी कि यू का प्रयोग, और कोई थर्ड पार्टी होगी, दे हो गया, प्लुरल नाउन हो गई, उसके साथ में इसका प्रयोग आएगा, आर का प्रयोग आएगा। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज, एम, आर, सी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है इसकी? ये सब इसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसका प्रयोग कहां होगा? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। एम का प्रयोग आई के साथ होगा, आर का प्रयोग यू और दे के साथ होगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, वह मार्केट जा रहा है,
वह मार्केट जा रहा है। सब्जेक्ट पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। ही, ही के साथ में क्या आएगा? ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ में इज, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या? जाना, गो। उसके साथ में आईएनजी, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या है जी? मार्केट, एम ए आर के ई टी। वह मार्केट जा रहा है, सब्जेक्ट है ही। ही के साथ में एल्पिंग वर्ब इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस में आईएनजी, कहां पे जा रहा है? मार्केट में। वह मार्केट में जा रहा है। वे गाना गा रहे हैं, वे गाना गा रहे हैं। सब्जेक्ट दे, उसके क्या आएगा? एल्प्यूरब। एल्प्यूरब क्या है? दे साथ में क्या है? आर, दे आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा उसके बाद? गाना गा रहे हैं, सिंगिंग, ए सॉन्ग। वे गाना गा रहे हैं, वे गाना गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग सॉन्ग, ए लगा करो, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल है। एग्जांपल बहुत हो सकते हैं। सब्जेक्ट एल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, एल्पिंग वर्ब इज एमआर का प्रयोग यहां यहां होता है, ठीक है जी। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। दोस्तों कॉपी पेन लेके इनको आप क्या कर लेना, एक बार इनको राइट डाउन कर लेना। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी जब रिवीजन करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। टेंस बिल्कुल बेसिक होता है, तो बेसिक को आपको बनाना जरूरी है। दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? उसमें नेगेटिव सेंटेंस में मैं रूल की बात करूं तो क्या बन जाएगा? रूल बोल दो या स्ट्रक्चर बोल दो, सब्जेक्ट प्लस में एल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। एल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी क्या आएगी? इज आएगी, एम आएगी और आर आएगी। तो जो इज एमआर इसकी एल्पिंग वर्ब है वो कहां कहां आएगी, मैंने आपको पहले बार बता दिया था। जैसे वे, वह पढ़ नहीं रहा है, वह पढ़ नहीं रहा है। सब्जेक्ट वह, ही। एल्पिंग वर्ब ई के साथ क्या आएगा? इज। उसके साथ में नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? पढ़ना, आर ई ए डी, रीड प्लस में आईएनजी, ही इज नॉट रीडिंग, वह पढ़ नहीं रहा है। वे अब खेल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग कोई गेम, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यानी कि सेंटेंस के हिसाब से आप एल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। इज एमआर का प्रयोग कहां होगा? दोबारा रिवाइज करा दूं, इसका प्रयोग आएगा ही सी इट, वॉइस सिंगुलर नाउन आ जाए। एम का प्रयोग कहां किसके साथ होगा? आई के साथ होगा। और आर का प्रयोग किसके साथ होगा? यू, दे और कोई प्लूरल नाउन आ जाए। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इससे क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हजारों बनेंगे, एग्जाम्पल बहुत से बन सकते हैं। आप सेंटेंस प्रैक्टिस करते रहो, उस हिसाब से आप कर लेना। लेकिन बेसिक क्या है? बेसिक इसका यही है, ठीक है जी। तो मैं इसके नेक्स्ट टाइप पे चलता हूं। टेंस बिल्कुल आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मजबूती तरीके से पढ़ना है। तीसरा जी इंटरोगेटिव,
इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा कौन सा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या जाएगा, एलपी वर्ब पहले जाएगी, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो एलपी वर्ब इसमें क्या आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर में से कोई भी एक हो सकती है, एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, क्या तुम टेलीविजन देख रहे हो, क्या तुम टेलीविजन देख रहे हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, पर्सन वाचक वाक्य, सेंटेंस मतलब वाक्य। रूल क्या बनेगा, एलपी वर्ब पहले जाएगी, प्लस में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम आया है, यानी कि यू के साथ क्या आता है हमेशा आर, तो आर आएगा एलपी वर्ब क्या जाएगी आर, सब्जेक्ट तुम है ना, यू के साथ क्या आता है हमेशा आर, आर यू सब्जेक्ट हो गया, एलपी वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखना, वाचिंग, वाच के साथ में आईएनजी, आर यू वाचिंग, क्या देख रहे हो, टेलीविजन टीवी ले देता हूं यार, शॉर्टकट में जाएगा, ठीक है जी, आर यू वाच टेलीविजन मतलब टीवी, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, क्या तुम टेलीविजन देख रहे हो, आर यू वॉचिंग टीवी, टीवी मतलब टेलीविजन। तो क्वेश्चन मार्क लग गया लास्ट में, चौथा हो गया, उसमें क्या होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या जाएगा, यहां पर दोनों बीच में नोट लग जाएगा, क्या तुम टेलीविजन नहीं देख रहे हो, क्या तुम टेलीविजन नहीं देख रहे हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव चौथा हो जाएगा ना, उसमें क्या जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या जाएगा एलपी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस में नोट हो जाएगा, यहां पे सब्जेक्ट के साथ क्या जाएगा नोट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या जाएगा नोट आ जाएगा। तो क्या तुम टेलीविजन देख रहे हो, क्या तुम टेलीविजन नहीं देख रहे हो, क्या तुम टेलीविजन नहीं देख रहे हो, तो क्या जाएगा आर यू नॉट वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है जी, आर यू नॉट वॉचिंग टेलीविजन। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, उसकी पहचान क्या हो जाएगी, रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसके बाद आपके चारों टाइप हो जाएंगे दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी पहचान हो जाएगी। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो एलपी वर्ब इजमार है, उसके बाद जो उसकी सेंस है उसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये तो है बिल्कुल बेस, कि ये तो आपने सिक्स सेवंथ एट स्टैंडर्ड में सीखा होगा, छठी सातवीं आठवीं क्लास में सीखा होगा कि टेंस का बेस कैसे होता है। तो ये तो मैंने आपको बेस बताया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहां पे मतलब जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, आपका एसएससी हो गया, तो वहां पे कैसे खेल बनता है टेंस का, कैसे एक एरर आएगा, वो एरर आपको पकड़ना है। तो मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बताऊंगा कि कैसे इसका प्रयोग होता है, इसका कहां का यूज होता है। जैसे आपको मैंने बताया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि कोई हैबिट आ जाए, कोई रेगुलर हैबिट आ जाए, कोई इरेगुलर आ जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इसका ऊपर लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां होता है, इसका यूज कहां होता है आप पहचानोगे कैसे, रहा है रही है रहे हैं से तो बात बढ़ेगी नहीं अभी, क्योंकि अपने क्या करना है स्कोर भी करना है और नौकरी भी लेनी है जॉब के लिए। तो जिस भी सेंटेंस में ना, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में क्या आ जाएगा, एट दिस मोमेंट, आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, नाउ आ जाए, क्या जाए, नाउ आ जाए, एट दिस प्रेजेंट नाउ आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, दीज डेज, आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, नाउ आ जाए, दीज डेज आ जाए, या फिर एट प्रेजेंट आ जाए, यानी कि किसी भी सेंटेंस में नाउ आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट, नाउ, दीज डेज, तो क्या हो जाएगा वहां पे, कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे मैं कहूं कि वो अब बुक पढ़ रही है, वह अब बुक पढ़ रही है, तो क्या जाएगा, वह अब पुस्तक पढ़ रही है, रही है, देखो क्या बनेगा, रही है ना, सी इज रीडिंग, बुक नाउ। दोस्तों नाउ, आ गया ना यहां पे, क्या आ गया, नाउ, ये जो नाउ आया है ना, यानी कि नाउ ये मैंने आपको बताइए रहा नाउ, तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे मैं बोलू ही स्लिप्स नाउ, एक ये हो गया, एक ये बोल दूं मैं, ही इज स्लीपिंग नाउ, तो आप बताइए जो रूल यूज है इसका, ये पहला यूज क्या है, किसी भी सेंटेंस में एट दिस मोमेंट आ जाए, नाउ आ जाए, दिस डे आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे वह है अब पुस्तक पढ़ रही है, सी इज रीडिंग बुक नाउ, तो जो नाउ आया है ना, नाउ, तो नाउ आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग आएगा। अब मैं अगली बताता हूं आपको, ठीक है जी, ही स्लिप्स नाउ, ही इज स्लीपिंग नाउ, इनमें से ठीक कौन सा है, मैंने कहा था कि इनमें से कोई भी आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, किसी भी सेंटेंस में एट दिस मोमेंट आ जाए, नाउ आ जाए, दिस डे आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग आएगा। ही स्लिप्स नाउ, लेकिन नाउ आ गया ना यहाँ पे, तो नाउ आने पे क्या जाएगा, ही इज स्लीपिंग नाउ, यानी कि ये सही है, ये आपका गलत है। ये जो गलत क्यों है, क्योंकि सेंटेंस में क्या आ गया, नाउ आ गया, नाउ आने के बाद क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आएगा। मैं आपको एक बोलता हूं इसको मैं, ठीक है जी, आप समझ गए होंगे ना, तो दीज डेज आ सकता है, जैसे एट प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस मिल सकता है। मैं आपको एक और बताता हूं इसका, एक एग्जांपल इसको मैं और करता हूं आपका, ठीक है जी। जैसे मैं एक सेंटेंस और लू, एक सेंटेंस और लेके इसको मैं और क्लियरिफाई करना चाहता हूं। जैसे तो मैं इसका अगला बताता हूं आपको, अगला क्या है, मैं एक एग्जांपल और लू मैं, जैसे राम लर्न्स हिंदी दीज डेज राम लर्न्स हिंदी दीज डेज आ गया ना, तो क्या आएगा इसका, राम इज लर्निंग हिंदी
इन दी दीज डेज। तो दोस्तों यहां पे क्या है, दीज डेज आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग आएगा। राम इज लर्निंग इन दी दीज डेज, ये आपका सही है, ये आपका गलत है। तो ऐसे हो सकता है ना, राम ए पार्ट, लर्न्स बी पार्ट, इन दी सी पार्ट, दीज डेज डी। आप बताइए कि कहां पर गलती है, राम लर्न्स इन दी दीज डेज, तो ये तो दीज डेज आ गया ना, तो कहां पे गलती आ गई, बी, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया आपका यहां पे, बी लर्न्स, लर्न्स ही लग गया आएगा, इज लर्निंग क्या आएगा, इज लर्निंग, यानी कि गलती कहां है, बी पार्ट में। तो आप ऑप्शन में आएगा तो क्या करोगे, बी को क्लिक कर दोगे, राम इज लर्निंग हिंदी दीज डेज। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ए बी सी डी में, तो बी में एरर था, यहां पे क्या आएगा, लर्न्स की जगह इज लर्निंग आएगा, तो उस हिसाब से क्या जाएगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। अब देखो अगला क्या है, अगला मतलब किसी कोई प्लांड एक्शन है, कोई एक्शन है वो मतलब कोई काम है वो प्लानिंग कर रखी है, मतलब कोई नियर भविष्य में कोई काम है वो प्लान कर रखा है, यानी कि नियर नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कोई क्या हो, प्लांड प्लान एक्शन आ जाए, प्लान एक्शन हो तो किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, यानी कि नियर फ्यूचर, कोई नियर फ्यूचर है उसमें कोई प्लान एक्शन हो जाए, कि मैंने मुझे ये प्लान करना है। तो जैसे मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री कल दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, प्रधानमंत्री कल दिल्ली जा रहा है, ये जो कल जा रहा है ना, काम तो फ्यूचर का है लेकिन प्लान है कि कल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, नियर फ्यूचर में कोई प्लान्ड एक्शन हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो क्या जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर पीएम इज गोइंग टू दिल्ली, कब जा रहा है, टुमारो, यानी कि कोई प्लान्ड एक्शन हो नियर फ्यूचर में होना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, प्रधानमंत्री पीएम इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है जी। तो इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। देखो मैंने आपको पहला रूल क्या बताया था, पहला रूल क्या था बताइए, कि किसी भी सेंटेंस में नाउ आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, दीज डेज आ जाए, तो ये तीन चार सब नाउ दीज डेज एट प्रेजेंट एट दिस टाइम आ जाए ना, तो किसका प्रयोग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो जाएगा, नंबर एक, ठीक है जी। नंबर दो याद क्या करना है आपको, कोई प्लान एक्शन नियर फ्यूचर में होना हो तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कल भाई हमारा मुख्यमंत्री है वो कहां जाएगा, दिल्ली जाएगा, तो है ना, तो क्या जाएगा उसके लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग आ जाएगा। वो कल जा रहा है ना, नियर फ्यूचर, तो किसका प्रयोग आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो आपको बताऊं मैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती लेकिन उसका अगर मीनिंग चेंज हो जाए ना, तो तीसरा रूल क्या है, कुछ वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती लेकिन उसका फिर, जैसे मैं आपको कहूं कि उसका प्रयोग होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं बोलूं ईयर, अच्छी यार, ईयर का मतलब क्या है, सुनना भाई, क्या मुझे सुन रहे हो, क्या आप मुझे सुन रहे हो, ईयर, ये रूल नंबर तीसरा। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिसका प्रयोग
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, जैसे ईयर हो गया। तो दोस्तों ईयर का मतलब सुनना होता है, लेकिन ईयर सुनना की जगह सुनवाई करना। ठीक है जी, तो क्या इसका प्रयोग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो जाए आ जाएगा। जैसे जज इज हियरिंग माई केस, ठीक है जी, जज इज हियरिंग माई केस, यहां पे ईयर का मतलब सुनना नहीं है, सुनवाई करना है। तो जो सेंटेंस जो सेंस है ना, वो सेंस आपको देखनी है कि उसका यूज कहां पे हो रहा है, सामने वाला बोलना क्या चाहता है। ईयर का मतलब सुनना होता है, लेकिन अगर सुनवाई करने के में आ जाए, ईयर का ही यूज आ जाए, तो उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसके साथ में आईएनजी लग जाएगा। जैसे ईयर के साथ में मैंने आईएनजी लगा दिया, लेकिन सेंस सुनना नहीं हुआ, सुनवाई हो गया। ठीक है, मान लो मैं लुक है, ये हो गया इसे, दूसरा मैं लुक बोल दूं, लुक का मतलब क्या होता है, देखना। लुक का मतलब क्या होता है, देखना, भी मुझे देखो, लुक एट मी। लेकिन यहां पे लुक का मतलब देखना नहीं है, लुक का मतलब मैं सर्च करना आ जाए कोई, ठीक है, सर्च करना यानी कि किसी चीज को खोजना आ जाए, तो उसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो जाएगा। कैसे, जैसे आई एम क्या बोलूं, लुकिंग फॉर ए जॉब दीज डेज, ठीक है जी, मैं इन दिनों एक जॉब को खोज रहा हूं, मैं जॉब को खोज रहा हूं यानी कि इसको सर्च कर रहा हूं ना, तो आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब दीज डेज। अब देखो दीज डेज आ गया, तो रूल नंबर वन भी आ गया, ठीक है जी। तो ये रूल आपको क्या है, ये रूल भी आपका रिवाइज हो गया कि दीज डेज का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है इसका यूज। यहाँ पे लुक का मतलब देखना होता है, देखना नहीं खोजना है, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब दीज डेज। एक और बताता हूं आपको, जैसे मैं आपको एक और वर्ब देता हूं, जैसे मैं एक वर्ब बोल रहा हूं आपकी, ऐसी बहुत सी वर्ब हैं, जैसे फील करना, स्मेल करना, थिंक आया, चलो थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना। थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना। लेकिन अगर सेंटेंस में थिंक सोचना की जगह उस पर मैं विचार करना बोल दूं, मैं उसके ऊपर विचार करना, मैं किसी काम के ऊपर विचार कर रहा हूं, थिंक मतलब होता है सोचना, आप सोच रहे हो किसी चीज को, लेकिन उसके ऊपर विचार करना, थिंक का प्रयोग। देखो वर्ब तो वही है, लेकिन एक तो सोचना, एक के ऊपर विचार करना, थिंक का मतलब सोचना या नहीं आए तो इसका यूज नहीं होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन के ऊपर विचार आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे मैं बोलूं आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन ओ किसकी, एसएससी कर देता हूं सब, या रेलवे कर लो, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। अब देखो यहां पे क्या हुआ, थिंक के साथ में आईएनजी लग गया, थिंकिंग, लेकिन थिंक का मतलब सोचना नहीं है, इसका मतलब होता है के ऊपर विचार करना, के ऊपर विचार करना। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एसएससी यानी रेलवे,
कोई भी आप किसी के ऊपर मतलब आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एसएससी। अब दोस्तों थिंकिंग से मेरे को याद आया कि आप थिंकिंग मत करना, सोचते नहीं रहना, उसके ऊपर क्या करना आपको, उसके ऊपर आपको आर्डर करना पड़ेगा। तो आर्डर करना पड़ेगा तो दोस्तों सोचने से काम चलेगा नहीं, तो आप क्या करना है, रेगुलर मेहनत करना और हमारे से जुड़े रहना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद।